चीज़ वो भूलेगा. सो बेसिकली हमने 2013 में शुरू किया था चेंज थ्रू बॉलीवुड. इट्स लाइक एक नेटवर्क है जो कि बॉलीवुड से कनेक्ट होता है. वी स्टार्टेड ऑफ कि हम लोग पहले आर्टिस्ट को मैनेज करते जैसे एक्टर्स मॉडल्स, बट समवेयर हम लोग म्यूजिक से इतना कनेक्ट हो गए 2 साल पहले कि हमको लगा कि हम सिंगर्स को क्यों नहीं मैनेज करते. तो हमने 2019 के एंड में जो कि खत्म हुआ था 2020 में, हमने एक सिंगिंग रियलिटी शो शुरू किया. वी टाइड अप दैट टाइम विद शमालू और शमालू भक्ति. बट उस टाइम पे हमको लगा कि हम सिंगर्स को लेके आना चाहेंगे. फर्स्ट टाइम हमने एक ऑनलाइन सिंगिंग रियलिटी शो रखा. उस टाइम हमको आइडिया नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हो जाएगा. वी स्टार्टेड वेरी वेरी स्मॉल. हमने कहा चलो हमारे पास सिंगर है, कुछ करते हैं सिंगर के साथ में. पर ये जर्नी की बड़ी हो गई. एंड ही इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ हमने 50 कॉम्पोजिशन रिलीज किए इन 2 डेज. एंड द कॉम्पोजिशन वर सम इन जस्ट 5 डेज. सो इट वॉज लाइक इट वॉज सो मच इंस्पिरेशन कि हम ये चीज़ कर सकते हैं. सिंगर्स को देशभर से खोज खोज के लेकर आ सकते हैं. उनका सपना उनका ओरिजिनल एल्बम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना, ये हम उनका सपना पूरा कर सकते हैं. तो वो हमने किया. अब इस साल जब कोविड था तो एक सीजन नहीं कर पाए, बट इस साल वी थॉट कि अब और क्या करें. एंड वी वॉन्टेड टू बिकम बिगर बिकॉज सीजन वन में कुछ ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए. खास सबका सपना किया थोड़ा थोड़ा पूरा, बट वी वॉन्टेड टू बिकम बिगर क्योंकि सिंगर का सपना है समवेयर टू गो टू बॉलीवुड एंड गो टू बॉलीवुड. वी वर लाइक कि चलो क्या कर सकते हैं. एंड फॉर्चुनेटली मैं विजय जी से मिली. एंड जब मैं विजय जी से कुछ महीने पहले मिली तो ही ऑल्सो लाइक द एंटायर कंसेप्ट कि अच्छा ये आप ऐसे टैलेंट को लेकर, ही जस्ट लव दैट कंसेप्ट इज लेट्स एक्सप्लोर और क्या कर सकते हैं. सो ही सेड कि सोनिया यू लेट्स डू इट टुगेदर एंड मैं सिंगर को बॉलीवुड प्रोजेक्ट पर. धीरे धीरे करके खादी ऑल्सो केम एंड ही जॉइंड अस. ओके ही सेड ओके आई विल गिव सिंगर अपॉर्चुनिटी इन बॉलीवुड इन माई सेल्फ. सो वी वर लाइक कि अरे अब हम सिंगर को स्टेज पे लाएंगे एंड उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है गेट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर जस्ट ऑन द सिंगिंग रियलिटी शो. मतलब वो एक फिल्म में गा सकते हैं एंड हॉलीवुड में भी गा सकते हैं. हार्डली सिंगर्स हमारे हॉलीवुड में गाते हैं सो लाइक बिग थिंग बिकॉज विजय इज अ अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर एंड हाजी जी इज ऑल्सो डूइंग सच फैंटास्टिक फिल्म. सो ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड We are very passionate about our project and our just dream is to make this platform bigger, create bigger opportunities for singers of coming across. And this time humne kai cheeze add on ki. Singers jo aate hain they are not groomed, they are not, you know, they don't know what is playback singing. To humne unke liye boot camp program organize kiya. Us boot camp program mein singers ko opportunity mili, jaise ki unko training mili from the industry expert ki उन्हें कपड़े कैसे पहनने, स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करना है, टोटल हाउ टू बिकम दैट यू नो शो बस यू नो यू हैव टू लुक लाइक अ स्टार. तो कोई बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए हमने सब सिंगर्स को पूरा ग्रूमिंग प्रोग्राम दिया. ओके हाउ टू एंटर बॉलीवुड. जेन के वंडरफुल सेशंस ऑन ब्रांडिंग देमसेल्फ एज अ सिंगर एंड टू मेक अ फुल फ्लेज्ड बिग करियर इन सिंगिंग. हादी जी ने गाइड किया. So we have been like very very lucky that we have such wonderful partners with us and I thank each one of them, you know. Thank you Vijay, thank you Jen, thank you Hadi and thank you Jolly Ji for being, he is our judge. So more you can know from Vijay. सोनिया मैम, जैसे आज के तारीख में बहुत सारे रियलिटी शो है जो इस तरीके का कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंट है और क्या कुछ अलग है ये प्लेटफॉर्म जो है? या सो यू आर वेरी गुड क्वेश्चन. सी है तो हम भी एक रियलिटी शो, तो ये लाइन के अंदर तो हम सेम है. कुछ लेवल पे हमने जब किया था लास्ट ईयर वी वर द फर्स्ट वन टू ऑनलाइन सारे उनके, बिकॉज लोगों को मुंबई ऐसे बार बार बुलाओगे, लाइनों में खड़ा करोगे लंबी लंबी, इट्स नॉट ईजी. लोग कितना दे स्ट्रगल टू गेट इन टू दैट, यू नो, एक इंडियन आइडल के किसी उसमें जाने के लिए पीपल स्ट्रगल. इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बट हमको कुछ अलग करना था तो हमने कहा चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं. ऑनलाइन आज इंडिया में इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, सो मेनी फैसिलिटीज आर देयर इन इंडिया, सो वाई नॉट ऑनलाइन. एंड वी हैव 43,000 रजिस्ट्रेशन दिस ईयर. 43,000 सिंगर्स हैव रजिस्टर्ड नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके सो this was one thing is like majorly online and the finale, the final top singers 75 this time came in the studio round which was yesterday and baki cheeze humne sare rounds online kiye. The bigger difference is ki koi sab platform bade hain, hum log thode chote hain because we don't have that big
स्पॉन्सर पार्टनर मे बी दे आर नॉट हैविंग दैट, दे डोंट हैव दैट टीआरपी थिंग. तो हम लोग जो जेन्युइनली हैं हम वही अपने आप को वैसे ही दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, और हम लोग बिल्कुल पैशनेटली बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जो कि टैलेंट डिजर्व करते हैं. सो वी आर वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जस्ट वर्किंग वेरी ट्रांसपेरेंटली. हम लोग इस बार जैसे सिंगर्स को ओरिजिनल एल्बम गाने का मौका दे रहे हैं, टुडे एंड टुमारो देर आर 43 ओरिजिनल कंपोजिशन डन बाय 4 वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड कंपोजर्स who are doing it for us, and the singers are going to sing today and tomorrow. So like 43 new albums, new songs released in 2 days. Which platform does it? I don't know. But we are trying that the singers yahan pe aate hain, to kya hota, dust stop pe jayenge, baki to ghar chale jayenge, ro ro ke jaate hain singers, right? Hum chahte hain ki aisa na ho. To sab logon ko kuch mauka mile apna talent dikhane ka, apna aage aane ka. Kai log ka sapna hai Bollywood mein jaane ka. कई जो वीमेन हमारे पास है, वी ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू मिडिल एज वीमेन जो ज़्यादातर कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता. सो वी आर वीमेन हु आर एज 57 हु आर सिंगिंग ओरिजिनल सॉन्ग टुमारो, नोबडी डज दैट. तो हम लोगों को दिल से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं कि अच्छा आपका सिंगिंग का सपना है, यस वी कैन फिल इट, हाँ आप में वो आवाज़ होनी चाहिए, बाकी हम लोग आपको ग्रूम करेंगे ना, हम आपको तैयार करेंगे. दैट्स अ होल आइडिया. ओके, सो वी हैव गॉट सिंगर्स from till 75 also we got entries. Okay, so and we have taken singers and were singing original album. उन लोगों को ऐसा नहीं अपना करियर बनाना, पर कहीं ना कहीं उनका सिंगिंग का एक सपना है जो हम हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा कर रहे हैं. कुछ लोग शायद प्लेबैक में जाएंगे तो हमारे बॉलीवुड के पार्टनर्स उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, कुछ लोग इवेंट्स करेंगे, शोज करेंगे. तो हर तरीके से जो सिंगर जिस ड्रीम को लेकर आया है उसको पूरी करने की कोशिश. तो सानिया मैम, आज ग्रैंड फिनाले है, जर्नी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक आज पहुँच गए है ये सफ़र आज, हाँ थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें. हालांकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा भी ये भी बताएं कि आज फिनाले हो रहा है और काफ़ी कुछ पेन लिया होगा आपने फिनाले तक पहुँचने के लिए, पूरा इंटायर टीम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कोई भी बड़ी चीज़ लेते हो तो इतना आसान नहीं होता है, सर्टेन चैलेंजेस यू फेस, बट आई थिंक सो इट वॉज फन ऑल्सो फॉर अस दैट हार्ड वर्क एंड ऑल. आई बी पीछे उड़ के हम लोग सब देखेंगे तो इट वॉज मेहनत के साथ में, इट वॉज फन ऑल्सो फॉर अस बिकॉज हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, हम लोग करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. इस साल का जो ये सीज़न शुरू हुआ था करीबन हमने आफ्टर दी कोविड हमने करीबन अप्रैल मई में शुरू किया था. ऑनलाइन एंट्रीज हमने डिजिटल मार्केटिंग करी और डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने सारी एंट्रीज की. मुंबई में भी हैड सम लाइव ऑडिशंस ऑल्सो, और जिन एंट्रीज को हमने लिया वी हैड 43,000 एंट्रीज को उनमें से सेलेक्ट करना वाज अ चैलेंज फॉर अस. एंड वी यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी to implement the selection of the singers. At the starting of 43,000 data ko select kaise karoge, dekho ki kaise un gaano ko humne काफी technology ka istemal kiya, काफ़ी अच्छी टीम रही और सबके मिलकर. फिर हमने ऑनलाइन चैलेंजेस किए, उसमें लोगों को अलग अलग तरीके की चीज़ें दी, जैसे थिंकिंग कैसे पता चलेगा सिंगर अच्छा है, तो उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें दी, अलग अलग टास्क दिए करने के लिए, उनमें उनको मज़ा भी आया, वी कैप्ट अ गुड एंगेजमेंट. और वो करते करते हमने सॉर्ट ऑफ उनके कुछ इंटरव्यूज लिए, ऑनलाइन लिए, फिर कल वो स्टूडियो राउंड में सब लोग आए एंड आफ्टर दैट ऑल दी जजेस वर देयर एंड वी सॉर्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड टॉप 18 हु आर परफॉर्मिंग टुडे एंड आउट ऑफ दैट 5 टॉप फाइनलिस्ट आर गोइंग टू गेट एन एल्बम फ्रॉम अस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू विन द अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन बॉलीवुड फिल्म बाय हादी अली अब्रा एंड प्रोजेक्ट ऑफ हॉलीवुड बाय विजय कुमार मजुमदार. जॉली सर, आपका कैसा रहा ये सफ़र? आपका तो बहुत पुराना बॉलीवुड से ताल्लुक़ है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे और क्या आप कहना चाहेंगे इस शो को लेकर और क्या देखा? तो सुनूंगा जी, मुझे दावा है कि अच्छे होंगे, इतने जब मेहनत करके इन्होंने आया, जब लोग आएंगे सुनेंगे तो ज़रूर मुझे भी बड़ा एक्साइटेड सुनने के. ओके, बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी जॉली सर सिंगिंग फील्ड में, तब का सिंगिंग और आपका सिंगिंग में कुछ डिफरेंट देख रहे हैं या कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे? सिंगिंग में कोई फ़र्क नहीं है, सिंगिंग तो सिंगिंग ही होता है, मगर
आजकल का मार्केटिंग अलग हो गया जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो आजकल बच्चे बड़े अच्छे गा रहे हैं मुझे पता है, और मैं जहाँ भी सुनता हूँ, और मैं सोनिया जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसे ओरिजिनल फील किया, उन्होंने ओरिजिनल गाने के लिए। एंड विजय जी आती है हैप्पी बर्थडे, तो सारे लोगों ने इनके साथ में जो है उन्होंने किया, ऑल माई बेस्ट विशेस। विजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस रियलिटी शो को लेके और क्या कुछ डिफरेंट? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि हमारा शो औरों से डिफरेंट कैसे। स्मोक का सवाल आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि हमारा शो किसी दूसरे सिंगिंग रियलिटी शो से डिफरेंट कैसे। तो हमें एक चीज़ नोट करना है कि हमारे लाइफ में चेंज बहुत इम्पोर्टेंट, और चेंज तभी आता है जब भी आप कुछ अलग सा चीज़ उसमें ऐड करें। अगर कुछ ऐड नहीं करोगे तो चेंज दिखाई नहीं देगा, और चेंज होगा। हम सेम चीज़ को स्टेटस को करके चल सकते जिंदगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चेंज से हर कोई डरता है। आप घर चेंज करोगे डरते हो, आप कपड़े चेंज करोगे, हेयर स्टाइल, किसी भी चीज़ से एज अ ह्यूमन बींग आर अफ्रेड ऑफ चेंज। लेकिन मैंने सुने वो कहा था कि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग जिसमें आप ओरिजिनल सॉन्ग्स क्रिएट करो, वो वैसी एक चेंज है, दैट्स द फर्स्ट चेंज। लेकिन उस चेंज को एम्पलीफाई करना है, उस चेंज को सब पब्लिक के सामने लाना है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए, जैसे तौरी साहब ने कहा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको उसको पब्लिक के सामने एक चेंज की तरह लाना है, और अकेला वो चेंज काम नहीं करेगा। आपको मैं अमेरिकन स्टाइल का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ जो आपको चेंज बड़ा कर देगा। बिकॉज अगर आप सबसे बड़ा शो जो इंडिया में आज आप समझते हो इंडियन आइडल है, वो एक्चुअली अमेरिकन आइडल शो है। वो तो एक फ्रेंचाइज है जो पूरे दुनिया में जाता है। तो ओरिजिनल पेटेंट जो है, जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, वो अमेरिका से आया है। आप लोग तो सिर्फ उसका एक फ्रेंचाइज बना के उसको ढांचे को यूज़ करते हो, आप उसकी प्रिंट को भी नहीं चेंज कर सकते। बट C2B वॉइस ओरिजिनल कॉन्टेंट यहाँ से क्रिएट करें तो पहली बार वो एक फ्रेंचाइज बना सकते, वो एक नया ब्रांड क्रिएट करेगा, जहाँ पर यहाँ से दूसरी कंट्रीज हमको बोलेंगे C2B वॉइस एशिया, C2B वॉइस अफ्रीका, C2B वॉइस ईस्ट। सो दैट इज द आइडिया। अगर उसको करना है तो आपको एक बड़ा कदम लगाना पड़ेगा, और वही बड़ा कदम मैं लेके आया था। वी डिप्लॉयड अ लॉट ऑफ न्यू फंक्शंस। एक था उसमें हमने बूट कैंप इंट्रोड्यूस किया। किसी भी शो में आपको पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती, और ट्रेनिंग बहुत कॉस्ट करती है। आप सिंगिंग के लिए जाओगे ट्रेनिंग, तो सिंगिंग इंस्टीट्यूट से आपको लाखों भरने पड़ते हैं। आप ग्रूमिंग के लिए जाओगे तो आपको ग्रूमिंग, आधे से लोग जो कंटेस्टेंट्स हमारे पास हैं वो दूर दूर गांव से, जिनको ग्रूमिंग की स्पेलिंग नहीं पता, जिनको ग्रूमिंग का वर्ड नहीं पता, जिनको पता नहीं कि स्टेज पे आके खड़े कैसे होते हैं, उनको प्लेबैक सिंगिंग का नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है कि डिक्शन क्या होती है, पिच क्या होता है, स्केल क्या होता है। ये सब चीज़ अगर हम उनको नहीं देंगे तो शो पे वो क्या परफॉर्म करेंगे? सर एक मिनट, सर आएंगे भाई, लाइट वाला कौन है? और जाएंगे, इंडिया से आते हैं या इंडिया के बाहर से भी आते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जो कि छोटे शहरों से आते हैं, उनके पास नेटवर्क्स नहीं होता, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं होता, उनको ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी, ये सब के वर्ड्स ही नहीं पता। आप आज देखोगे जो परफॉर्मेंस लाएंगे, वो छोटे बच्चे या दूर गाँव से आ रहे हैं, उनके लिए पूरी नई दुनिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आगे परफॉर्म करें, आप उनको एक्सपोज करके दुनिया में लाओ, पर उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या करेगा? वो कहते हैं ना, प्ले द रूल्स बाय द गेम ऑफ द रूल्स, उसको पहले सीखना पड़ेगा। तो ये गेम है, उनको रूल समझाओ, तैयार करो, और फिर गेम में लेके आओ, फिर लेके आओ अरीना में, फिर देखते हो कैसा परफॉर्म करते हैं। दैट इज द सेम लॉजिक। तो ये बूट कैंप डिवाइस किया गया था, जिसमें हमने उनको 5-6 अलग टाइप्स के टेक्निक्स, अलग टाइप के वर्कशॉप्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लाए। जैसे जय दुकाना बैठे, ही इज एन अमेजॉन बेस्ट सेलर ऑथर, वे बिजनेस स्कूल चलाते हैं, इनको लेके आए थे जो बिजनेस मार्केटिंग और ब्रांडिंग सिखाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सिंगर है वो एक ब्रांड है, वो एक आर्टिस्ट है, उसको समझना है कि कैसे उसको अपने आप को प्रमोट करना है। और जैसे जॉली सर ने कहा, टुडे मार्केटिंग इज डिफरेंट, सोशल मीडिया में आपको कैसे करना है, क्या करना है, इंस्टाग्राम करना है, इतने सारे चीज़ें हैं वो उन्होंने कवर की। मैंने उनको बताया कि आपको स्टेज की प्रेजेंस कैसी करनी है। हॉलीवुड में अगर आपको गाना है, ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में नहीं जा सकते, इंडिया के काफ़ी लोग गए, मैं गया हूँ, सो देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे करके मैं उनको ब्रेक डाउन करके 4-5 घंटे का वर्कशॉप कराया। अब ये नहीं कि वर्कशॉप किसी के लिए था, किसी सबके लिए ट्रांसपेरेंट, मतलब हर कोई कंटेस्टेंट को वो मिला है सेम एम्युनिशन, सेम वेपन्स, सेम रिसोर्सेज।
अब उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी आवाज और परफॉर्मेंस, जो खिलाड़ी सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वो विनर बनेगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज थी कि कहाँ पर भी आप देखते हो शो पे विनर जीतने के बाद उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो मुझे नहीं पता। अवार्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं, कोई म्यूजिक एल्बम्स मिलते हैं, कोई रिकॉर्ड कंपनी साइन करती, वी डोंट नो दैट। पर मुझे उसको कुछ देना था और मैंने कहा कि मैं अपने स्टेक पे लेता हूँ एज अ फिल्म मेकर, मैं उनको मेरे हॉलीवुड प्रोजेक्ट में गाने का मौका दूंगा। हुएवर इज द विनर, कौन सा प्रोजेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन द सिंगर क्या मैच करेगा। हॉलीवुड शायद उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम हो, शायद मुझे क्या हॉलीवुड में गाएंगे, शायद इंग्लिश गाना गाना, मेरा चलो ठीक है लेट्स गो बेसिक। मेरा बचपन का दोस्त है हादी अली अब्राहम, हू इज अ बॉलीवुड फिल्म मेकर, मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट पिच किया, ही लव द आइडिया, ही सेड विजू एनीथिंग फॉर यू आई लव द आइडिया, कि मैं भी इनको एक दूंगा क्योंकि हमने भी ये स्ट्रगल की थी 25 साल पहले, हमें कुछ नहीं मिला, एंड इफ वी कैन क्रिएट समथिंग आई विल डेफिनेटली गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड देन ही गॉट अ बॉलीवुड फिल्म, जो विनर होगा उसको उनकी पिक्चर में गाने का। तो यू गॉट थ्री डिफरेंसेस, ए बूट कैंप, ओरिजिनल सॉन्ग्स, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के गाने, दैट्स द डिफरेंस दैट कैन बी कंपेयर्ड टू एनी अदर रियलिटी शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हादी सर ये अब शिफ्ट करें और आप लोग इधर आ जाइए। हादी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या CB2B हाँ ये कहाँ पे जी कहाँ पे दिखेगा और क्या किसी बड़े प्लेटफॉर्म के को आप लोगों ने अप्रोच किया था कि भाई मुझे भी थोड़ा समय दो दिखाने के लिए, या क्या है उसका? इनफैक्ट आप ये जो सवाल कर रहे हैं, C2B जो पहला सीजन था वो MX प्लेयर पे आ चुका है, सो सेकंड भी MX प्लेयर पे ही आएगा, और आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक चैनल है जहाँ पर इन बच्चों को, इन्होंने जिन्होंने गाया है उनको टैलेंट पेश करने का मौका, प्लस सोनिया, विजय, जॉली जी, जयंत, मैं, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको जितना हौसला अफजाई कर सके। और आई थिंक MX प्लेयर हमारा पार्टनर होने के बावजूद उन्होंने हमको काफ़ी हेल्प किया है और एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है कि ये सबकी नज़रों के सामने। ओके जैन सर आप क्या कहना चाहेंगे इस शो को लेकर, इतने एक्साइटेड हैं? ऐड करना चाहूँगा क्योंकि इसमें इंडियन टैलेंट जो हिंदी सॉन्ग्स है, तो इसमें हमारे जो रेसिडेंट्स हैं इंडियंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो अगर इंडियन आइडल में कम्पीट करना है तो उनको लाइन में खड़ा करना है, सर लोकेशंस पे जाना है। इसका बेनिफिट ऐसा है कि एनीबडी हु इज देयर एंड हु लव्स सिंगिंग कैन पार्टिसिपेट। पहले जो राउंड्स है इसमें वो ऑनलाइन कम्पीट कर सकता है, सीख सकता है। इन्होंने जो काफ़ी चैलेंजेस जैसे ब्यूटी पेजेंट में होता है, जैसे ब्यूटीफुल आइज का होता है, स्किन का होता है, वैसे ही छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए जिसमें फिल्ट्रेशन हुआ, उनका ट्रेनिंग भी हुआ, तो वैसे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड से उसमें पार्टिसिपेट किया और फिर उसमें से जो फिल्टर होंगे जो शॉर्टलिस्ट हुए वो लोगों को इधर आना था, तो दोनों इट वॉज अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ नॉट लाइक ओनली ऑफलाइन, तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन था। और ये जो पूरा एक्सपोजर था टेक्नोलॉजी को यूज़ करके था, दोनों का बेनिफिट इसमें लिया गया। सो मेरे हिसाब से कुछ 162 प्लस कंट्रीज के लोगों ने देखा, पार्टिसिपेट करना ट्राई किया, दे एनरोल्ड इनटू इट, दे अपलोडेड देयर वीडियोस, दे गॉट इट फिल्टर्ड। सो मेरा मानना है कि ये जो पार्टिसिपेशन है वो नॉर्मली दूसरे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में नहीं होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आए उनको यहाँ पे ग्रूमिंग किया गया जैसा बूट कैंप था, तो काफ़ी दूसरे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में शायद उनको सिर्फ सिंगिंग के बारे में सिखाया जाता होगा, बट इसमें दूसरे सब जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी सिखाया गया, उनको बताया गया। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, वापस रीट्रेक करना चाहूँगा कि जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह का जो एक एंट्री होता है, अगर उधर एक चांस मिलता है और वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, यहाँ पे जैसे जो ओरिजिनल सॉन्ग्स में रिकॉर्डिंग होती है, ओरिजिनल सॉन्ग सिंगिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट देन कवर सॉन्ग सिंगिंग। तो ये जो कवर इसमें किया गया है कि ओरिजिनल सॉन्ग को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, और इनका अगर एक एल्बम बनता है तो काफ़ी लोगों का तो वो ड्रीम था कि हमारा खुद का एक एल्बम हो, इतने बड़े सेटअप में, इतने बड़े प्रोफेशनल सेटअप में वो रिकॉर्ड किया गया है, स्टूडियो में गए हैं, वो जो पूरा जर्नी था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ। सो नाउ व्हेन दे गो आउटसाइड एनीवेयर दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्फ्स। सो ये जो चीज़, ये डिफरेंस है दूसरे कॉम्पिटिशन्स में और C2B वॉइस केस में, तो ये मैं मानता हूँ। और उनको ब्रांडिंग के बारे में बताया कि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें और लोगों को दिखाएं, उनको सोशल मीडिया कैसे यूज़ किया जाएगा, ये जो वीडियो
ये जाएंगे उनके एडिटेड बॉलीवुड स्टाइल में एडिट किया जाएगा, बॉलीवुड से जो कैमरा है और उनको जो डायरेक्ट किया गया है तो उसके जो क्लिप्स है वो उनका पोर्टफोलियो बनेगा, वो लोग वो भेज सकते हैं लोगों को खुद को प्रेजेंट करने के लिए, बेचने के लिए, बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है ये पर्टिकुलर सेशन में, और ये काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पर लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं, ये ऑनलाइन भी जाएगा। सो आई थिंक द टैलेंट इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ टैलेंट जो अदरवाइज बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं पार्ट ले सकते डायरेक्टली, इसमें पार्ट ले सकता है। और हर एक छोटे से छोटे गांव का भी आदमी आज सोच सकता है कि मैं ये रियलिटी शो में, ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँगा, अगर मेरे में टैलेंट होगा, वर्ल्ड देखेगा तो मैं फेमस बनूँगा। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है दूसरा किधर भी अभी है, और C2B ने ये फर्स्ट लेके आए हैं, तो इसका डेफिनेटली लोगों को एडवांटेज होगा। ओके हादी सर, कितना चैलेंज रहा आपको एज ए डायरेक्टर, बिकॉज कि प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना और नए लोगों के साथ काम करना दोनों में डिफरेंट, और कितना चैलेंज रहा आपको? चैलेंज तो था ही, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं जो बहुत रॉ है, और शुरुआत कहीं ना कहीं हमने भी वैसे ही की, तो चैलेंज को अब इनको फेस करना है किस तरह से। मेरे लिए तो यही है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये लोग आते हैं उस तरह से, और मैं उनके कितना बेस्ट कर सकता हूँ उनके लिए। बट ये जो सिंगर्स हैं ना, इनमें इतनी लगन है, इतनी मेहनत है कि उन्होंने रात रात जाग के उन्होंने इतना काम किया है कि रियली रियली प्राउड ऑफ देम। और जो भी यहाँ पर जितने भी 18 लोग हैं जो भी आए हैं, या जितने भी देश, कोई हार नहीं मान सकता, उन लोग को अपने करियर में आगे ही आगे जाना है। और ये C2B का सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको इनकरेज कर रहे हैं जाने के लिए, और 100% इनमें से कई होंगे जो मुझे ऑलवेज दिखेंगे जब भी मैं फिल्में बनाऊंगा, मैं उनके पास जाऊंगा, और मैं ये चाहता हूं कि उन लोग मुझसे कहें कि सर आप वेट कीजिए, आपके लिए अभी मेरे पास टाइम है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये हो, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट C2B कैन गिव। चलिए, आई होप कि ऐसा ही होगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।